Hello friends, welcome back to my channel and now we are going to study ratio a is to b is to c. ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने quantities हैं, three quantities हैं, ठीक है, a, b and c. ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ratio three quantities का. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए three quantities a, b and c are of same kind. ठीक है, यहाँ पर ये तीनों quantity जो हैं same kind की है. ठीक है, same kind की मतलब a जो है अगर mass category का है, ठीक है, ए जो मास कैटेगरी का, तो बी भी मास रहेगा, सी भी मास रहेगा. ठीक है, ए अगर लेंथ है तो बी भी लेंथ रहेगा और सी भी लेंथ रहेगा. ठीक है, और यहाँ पर ए अगर वॉल्यूम है तो बी भी वॉल्यूम रहेगा और सी भी वॉल्यूम रहेगा. इसका मतलब ये तीनों जो है सेम काइंड के. ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेम काइंड एंड विद द सेम यूनिट. इसका मतलब कि इसका यूनिट भी सेम है. ठीक है, सपोज करिए ए का वैल्यू है किलोग्राम. ठीक है, ए का यूनिट है किलोग्राम. ठीक है, और बी का यूनिट भी किलोग्राम ही रहना चाहिए, सी का यूनिट भी यहाँ पर किलोग्राम रहना चाहिए. मतलब कि तीनों का क्या है, यूनिट सेम है. ठीक है, ए का यूनिट है अगर मीटर तो बी का भी मीटर है, सी का भी मीटर है. ठीक है, ए का यूनिट है अगर लीटर तो बी का भी लीटर है, सी का भी लीटर है. ठीक है, तो इन तीनों क्वांटिटीज का यूनिट भी सेम है. ठीक है, सेम काइंड के हैं. ठीक है, और यूनिट भी सेम है. ठीक है, थ्री क्वांटिटीज ए बी एंड सी आर ऑफ सेम काइंड एंड विद द सेम यूनिट. ठीक है, सेम काइंड के हैं और सेम यूनिट है. ठीक है, आर सेड टू बी इन रेशियो ए टू बी टू सी. ठीक है, ये तीनों क्वांटिटीज का रेशियो क्या है, ए टू बी टू सी. ठीक है, स्मॉल ए टू स्मॉल बी टू स्मॉल सी. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटीज क्या क्या है, ए बी सी. ठीक है, इनका रेशियो क्या है, ए टू बी टू सी. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इफ द क्वांटिटीज कैन बी टेकन एज ए के बी के एंड सी के. ठीक है, क्वांटिटीज को हमने मान लिया ए के होगा. ठीक है, और बी के एंड सी के होगा. ठीक है, इन तीनों क्वांटिटीज का रेशियो है ए इज टू बी इज टू सी. ठीक है, ये जो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, ये किसी भी क्वांटिटी का रेशियो, मतलब ए के है. ठीक है, इसका रेशियो ए के बी के सी का रेशियो है ए इज टू बी इज टू सी. ठीक है, सो इफ द क्वांटिटीज कैन बी टेकन एज ए के बी के एंड सी के रेस्पेक्टिवली वेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, के क्या है यहां पर, के पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, पॉजिटिव नंबर मतलब वन से लेकर जितने भी नंबर आते हैं नेचुरल वो पॉजिटिव नंबर. ठीक है, तो हेयर के इज अ पॉजिटिव नंबर. ठीक है, इन अदर वर्ड फॉर रेशियो ए इज टू बी इज टू सी द फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू ए के. ठीक है, देखिए यहाँ पर रेशियो ए इज टू बी इज टू सी में, ठीक है, ये रेशियो है. ठीक है, किसका रेशियो है, इनका रेशियो है ए के बी के एंड सी के. ठीक है, ए के बी के एंड सी के, इनका रेशियो क्या है, ये जो है एक्चुअल क्वांटिटी है कोई. ठीक है, ए के इज एन एक्चुअल क्वांटिटी एंड बी के एंड सी के. ठीक है, दीज थ्री आर quantities, these are three quantities. ठीक है, इनका ratio क्या है, the ratio of these three quantities are a is to b is to c. ठीक है, a के b के and c के का ratio क्या है, a is to b is to c. ठीक है, अब हमें find करना है a के की value. ठीक है, कैसे find करेंगे. ठीक है, यहाँ पर देखिए for example if capital a is to capital b is to capital c is equal to 3 is to 5 is to 4. ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ratio दिया हुआ है a is to b is to c. ठीक है, इनका रेशियो दिया हुआ है 3 is to 5 is to 4. ठीक है, एंड k की वैल्यू दी हुई यहां पर 7. ठीक है, हमें एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड करना, मतलब कि a की वैल्यू फाइंड करना. ठीक है, a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी. ठीक है, अब यहां पर देखिए a is equal to 3k. ठीक है, a is equal to a के हो रहा. ठीक है, यहां पर a की वैल्यू दी, यहां पर 3 है. ठीक है, यहां पर a की वैल्यू जो है वो 3 है. ठीक है, और यहां पर स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल है. ठीक है, स्मॉल ए की वैल्यू कैपिटल है. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए की वैल्यू, यहाँ पर ए इज इक्वल टू ए की है. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है ए इज इक्वल टू, तो स्मॉल ए की वैल्यू ये है भाई, और के की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 7 है. ठीक है, सो ए इज इक्वल टू 3k. ठीक है, 3 यहाँ पर दिया हुआ है, 3. ठीक है, 3 यहाँ पर क्या होगा, ए हो गया. ठीक है, और के की वैल्यू हमारी दी हुई है 7. ठीक है, तो के ए के एन टू के का नाम है. ठीक है, वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वांटिटी क्या ए है, इसकी वैल्यू क्या होगी, a into k means 3 into k means 3 into 7. ठीक है, so here a is equal to 3k is equal to 3 into 7 is equal to 21. ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 21 है. ठीक है, now see here what is the value of b, b की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, b क्वांटिटी की. ठीक है, b is equal to यहाँ पर 5 दिया हुआ. ठीक है, 5k. ठीक है, and c is equal to 4k. ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए जैसे a के जो लिखा हुआ है, ठीक है, a यहाँ पर क्या है, 3 है, b यहाँ पर क्या 5 है. ठीक है, स्मॉल c यहाँ पर 4 है, तो वही हमें निकालना है इनकी वैल्यू एक्चुअल क्वांटिटी. ठीक है, तो यहाँ b की वैल्यू देखिए
बी इज इक्वल टू 5k, 5 इंटू के मीन 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 35, बी की वैल्यू 35 आएगी, ठीक है। एंड सी की वैल्यू क्या होगी, सी इज इक्वल टू सी के, सो सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 7, सो सी इज इक्वल टू 4k इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू निकल गई ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू क्या है 35, एंड सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 28, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें किसी भी क्वांटिटीज का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, किसी भी थ्री क्वांटिटीज का रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, और हमें उस क्वांटिटी का एक्चुअल वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। रेशियो तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता, ठीक है। अगर हमें पता है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर दिया है k की वैल्यू, ठीक है, तो हम फाइंड कर सकते हैं उन क्वांटिटीज की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर फाइंड किया गया, यहाँ पर देखिए, फिर से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, ए इज टू बी इज टू सी, ये कोई क्वांटिटीज है, इन क्वांटिटीज को हमें नहीं पता कि क्या, ठीक है, लेकिन इनका रेशियो हमें पता है, ठीक है, एंड के की वैल्यू पता है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू 3 इंटू 7 करना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए के है, एंड सेकंड क्वांटिटी मतलब कि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बी के है, एंड सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू देखिए यहाँ सी के है, ठीक है। उसी तरह आपको करना है, यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, एंड सी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालना आपको, तो ए के, ठीक है, ए की वैल्यू ए के, बी की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू सी के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू ए के, ए यहाँ पर 3 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 5, एंड सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कैपिटल ए की वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी क्वांटिटी की वैल्यू 3 इंटू के मीन्स ए के मीन्स 3 इंटू के, 3 इंटू 7 इक्वल टू 21, ठीक है। बी इज इक्वल टू बी के, यहाँ बी की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, के की वैल्यू क्या 7 है, तो 5 इंटू 7, ठीक है, 35। सी की वैल्यू देखिए, सी की वैल्यू सी के, ठीक है, सी की वैल्यू क्या निकलेगी, सी के, थर्ड क्वांटिटी की वैल्यू देखिए, थर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू सी के, ठीक है। तो ये थर्ड क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू सी के है, ठीक है, तो यार सी की वैल्यू क्या 4 है, और 7 के की वैल्यू क्या 7 है, सो 4 इंटू 7, सो सी है, सी इज इक्वल टू 4 इंटू 7 मीन्स 4 इंटू के है, ठीक है, इज इक्वल टू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। तो हमें इन तीनों क्वांटिटीज की वैल्यू निकल गई, पता लगे क्या है, सो हियर द क्वांटिटी ए इज इक्वल टू 21 एंड बी इज इक्वल टू 35 एंड सी इज इक्वल टू 28। नाउ सी हियर, इन द सेम वे इफ द एजेस इन इयर्स ऑफ गीता हैरी एंड जॉन आर इन द रेशियो 6:8:7 एंड के इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर गीता हैरी एंड जॉन, ठीक है, गीता हैरी एंड जॉन की एज का रेशियो यहां पर दिया हुआ 6:8:7 है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ गीता हैरी एंड जॉन इज गिवन, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द एक्चुअल एज ऑफ गीता हैरी एंड जॉन, ठीक है, हमें इनका एक्चुअल एज फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहां पर द एज ऑफ गीता इज इक्वल टू 6 इंटू के, ठीक है, रेशियो क्या है इसका, गीता के एज के रेशियो देखिए 6 यहां पर दिया हुआ, ठीक है, तो 6 इंटू के, के की वैल्यू यहाँ 2 दी है, ठीक है। तो द एज ऑफ गीता इज इक्वल टू 6 इंटू के मीन्स 6 इंटू 2 इयर्स इज इक्वल टू 12 इयर्स। द एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 8 है, ठीक है, सो द एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 8 इंटू के, ठीक है, रेशियो क्या है, हैरी के रेशियो वैल्यू 8 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 8 इंटू के करना है, ठीक है, सो हियर के वैल्यू क्या है, के की वैल्यू 2 है, सो द एज ऑफ हैरी इज इक्वल टू 8 इंटू के इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 इयर्स। नाउ द एज ऑफ जॉन इज इक्वल टू 7k, ठीक है, 7 देखिए कहां पर, यहां पर 7 है, ठीक है, 7 और k यहां पर, k की वैल्यू 2 है, सो 7 इंटू 2 इयर्स इज इक्वल टू 14 इयर्स। सो द एज ऑफ गीता हैरी एंड जॉन आर 12 इयर्स 16 इयर्स एंड 14 इयर्स, सो दीज आर द एक्चुअल एजेस ऑफ गीता हैरी एंड जॉन।